और गार्डन हाउस प्लांट के जो केयर टिप्स होते हैं जरूरी इम्पोर्टेंट, वो इसमें आपको मिलने वाले हैं। हेलो एवरीवन, ग्री लाइव में आपका मोस्ट वेलकम। और देखिए, मौसम के अकॉर्डिंग कुछ केयर टिप्स बहुत ज़रूरी होते हैं जिससे हमारे प्लांट ये हेल्दी रहते हैं, और अगर हमने इनका ध्यान नहीं रखा तो ये प्लांट हमारे जो है, काफ़ी प्लांट ऐसे होते हैं जो कुछ केयर टिप्स नहीं करेंगे तो वो जो है खतरे में पड़ सकते हैं। तो आइए, वो कौन कौन से केयर टिप्स हैं मैं इसमें आपको शेयर करने वाली हूँ। तो चाहे इंडोर प्लांट हो या वेजिटेबल हो या फ्रूट हो, कोई भी हो या फूल हो, इंडोर आउटडोर कोई भी फ्लावर प्लांट हो, तो ये सभी पर वीडियो है। तो कुछ केयर टिप्स होते हैं जो हमें करने बहुत ज़रूरी होते हैं। ये देखिए, ये है ग्रेट और ये फूल खाता है। तो मैं सोच रही थी मेरे बहुत सारे फूल खिलते हैं और कहाँ जाते हैं, तो इसके पीठ में जाते हैं, तो चलो कोई बात नहीं। और देखिए, अधिक बारिश होती है तो ये प्लांट, कोई भी सब्जी फल फ्रूट कोई भी प्लांट हो, तो वो एल्गे की चपेट में आ जाता है। उसका भी मैं इसमें उपाय देने वाली हूँ लास्ट में। और देखिए, वैसे तो बारिश का पानी जो है हमारे प्लांट के लिए अमृत के समान है, लेकिन कभी कभी अमृत भी अगर ज़्यादा हो जाए तो वो भी जो है ख़तरनाक हो जाता है, मतलब विष के समान हो जाता है। तो आइए, वो मैं किस लिए कह रही हूँ। देखिए, अगर लगातार बारिश बनी हुई है तो इस पॉइंट पे जरूर ध्यान दें, आपके ड्रेनेज होल, ये पानी बाहर हो रहा या नहीं हो रहा, ड्रेन आउट हो रहा, वाटर नहीं हो रहा, तो इस पे ज़रूर ध्यान दें। अगर ड्रेनेज आपके होल अच्छे हैं तब तो ये पानी, ये देखिए कुछ इस तरह से ये पानी बिल्कुल भी गमलों में नहीं दिखाई दे रहा। और ये देखिए, ये वेल ड्रेन सोयल होगी तो उसमें नहीं होगा तो देखिए, कभी कभी चाहे हमारे ये सोयल कैसी भी हो, बट कभी कभी इनमें भी वेल ड्रेन सोयल में भी हो जाता है, वैसे नहीं होता बट कभी कभी हो जाता, क्योंकि कभी कभी क्या है, पानी नीचे से वो बंद हो जाते हो तो तब ये परेशानी आती है। चाहे वो कैसी भी मिट्टी हमने दे रखी है तो उसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपने प्लांट के, किसी भी प्लांट के सबसे पहले ये ड्रेनेज होल चेक करें, और ड्रेनेज होल चेक करने के बाद एक ये भी देखें, अगर आपने प्लांटर, कभी कभी क्या होता है, हम जो है, हमें, हम शॉपिंग करते हैं तो हमें प्लांटर भी साथ में मिलता है, तो उसमें जो मिट्टी होती है वो चिकनी होती है जैसे मेरे इसमें है, तो इसको रिपोर्ट करें, इसको सोयल जो है वेल ड्रेन सोयल दें। तो मैं भी इसको रिपोर्ट करने वाली हूँ, तो ये रिपोर्टिंग का काम भी कर सकते हैं इसमें, जैसे जिस दिन बरसात हो उस दिन ये रिपोर्टिंग का काम भी ज़रूर करें। तो इससे क्या होगा, ये प्लांट जो है हमारे ख़राब नहीं थे, ये जो है रिपोर्टिंग करने का भी बहुत अच्छा टाइम है, इस समय बरसात में कर सकते हैं। और देखिए, वैसे तो ये देखिए पत्तियाँ ग्रीन होती है और फूल भी खूब आते हैं, तो देखिए अगर ये फूल आते हुए तो बहुत अच्छे लगते हैं, बट ये सूख के जब गिर जाते हैं नीचे, क्योंकि कुछ फूल तो ऐसे होते हैं जो डेली रोज आते हैं और बहुत आते हैं क्वांटिटी में, जैसे ये मैक्सिकम पिटोनिया है और जैसे हमारा ये सदाबहार है, तो इसके भी फूल बहुत आते हैं। तो ये क्या होता है, ये गमले में अगर गिर जाते हैं तो इससे फंगस लगने का बहुत खतरा होता है। तो ये देखिए, मैं तो इस तरह से कुछ ये सारी ही रोज़ पत्तियाँ गमलों की सारी निकाल देती हूँ, और पत्तियों पे भी अगर कोई फूल बैठ जाता है तो उसको भी साफ़ कर दीजिए। इससे क्या होता है, इससे फंगस बहुत जल्दी पकड़ता है, अगर फंगस लग जाती है तो फंगस के चपेट में अगर प्लांट आ गया तो उसके लिए भी वो खतरा हो जाता है। तो इस पॉइंट पे भी ज़रूर ध्यान दें। और जितने भी सूखे फूल होते हैं तो उसको बीन के एक जगह कर लो, इसका फर्टिलाइज़र बना लो, और जो भी गुलाब के पुराने फूल हैं, तो गुलाब के हैं या किसी भी चीज़ के, तो ये देखिए गुड़हल के जैसे सूख गए, तो इनको बिल्कुल निकाल दें, तो ये जो है फंगस फिर नहीं पकड़ेंगे। तो इनका फर्टिलाइज़र बना लेती हूँ मैं, तो ये देखिए मैं इकट्ठा करती रहती हूँ रोज़, और इनका सबका फर्टिलाइज़र बन जाता है। और देखिए, ये सेक्युलेंट से होता है, जैसे वेविशन रोज है या और भी कोई भी प्लांट हो, तो ये देखिए ये बहुत जल्दी, ये बारिश से ये गलने का इनमें खतरा रहता है, अगर नीचे टच रहती हैं तो ये देखिए ये भी गल जाती है। तो मैंने इसलिए कुछ बास्केट में रख दिए हैं, तो इनमें से मैंने सूखा सूखा सब निकाल दिया, मेरे भी गलने लगे थे, तो मैंने इसमें निकाल के, ये देखिए ये सूखी, इसमें ये सूख गई थी क्योंकि ये नीचे ही रखे थे मेरे गमले, और मैंने इसको जो है बास्केट में यहाँ पर रख दिया, तो ये अब सेफ हो गया। तो इस तरह अपने गमले जो है, प्लांट जो है, सेफ कर सकते हैं। और देखिए, कोई भी सब्जी है, फल है, कुछ भी है, तो इनका भी ध्यान रखना है, क्योंकि इनका ये ध्यान रखना है, एक तो पानी भी ना हो इसमें ज़्यादा इतना, तो ये देखिए इस तरह से ये वेल ड्रेन है, तो और दूसरा ये ध्यान रखना है
अगर ये इस समय देखिए जैसे मिर्च आ रही है या फूल बन रहे हैं, तो इनका बहुत ध्यान रखना। कोई भी सब्जी फ्रूट हो तो उस समय अगर हमने नहीं दिया इस महीने फर्टिलाइज़र, वैसे तो देखिए काफ़ी न्यूट्रिशन होते हैं, मगर फिर भी हमें इसके समय ध्यान रखना पड़ता है। जब फ्रूटिंग होती है तो उस समय हमें फर्टिलाइज़र का ध्यान रखना पड़ता है। तो आपके पास जो भी फर्टिलाइज़र है, बस कुछ फर्टिलाइज़र ऐसे जो नहीं देना चाहिए जिससे फंगस पकड़ जाती है, जैसे केला, छिलके का केले का देते हैं, कोई भी छिलके का, किसी भी छिलके का नहीं देना, उससे फंगस पकड़ जाती है बरसात में, और इस बात पर ज़रूर ध्यान दें। और एक होता है मस्टर्ड केक, उसका भी बिल्कुल भी ना दें, तो इन पे ज़रूर ध्यान दें। तो ये देखिए इस समय अगर देना है तो काउडंग दे सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, और पत्तियों की लीफ वगैरह की अगर खाद आप बनाते हो जैसे घर की या किचन वेस्ट, तो उसमें देख लेना वो कच्चा पक्का ना हो। अगर उसमें पत्तियाँ भी दिख रही हैं, ये जो फूल प्लांट और ये सब होते हैं, पत्तियाँ उसमें कच्ची पक्की ना हो, वो तो पकी हुई हो बिल्कुल, या वैसे इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या खतरा होता है, इससे प्लांट को फंगस पकड़ जाता है मिट्टी में। और देखिए जितने भी हमारे ये इंडोर प्लांट है, तो इनके भी कुछ केयर टिप्स होते हैं। अगर आपने फर्टिलाइज़र डाल दिया है तो सही है इस महीने, अगर नहीं डाला एक दो महीने से, तो इसमें वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं तो बहुत अच्छा है, या आप सी वीड डाल सकते हैं, और वो भी पाउडर फॉर्म में। तो जो भी हमें डालना है पाउडर फॉर्म में ही डालना है। तो ये देखिए इनकी पूरा सफाई कर लें गमलों की, कोई भी पत्ती हो तो ये देखिए गली सड़ी, बिल्कुल गमला साफ रखें तो ये फंगस भी नहीं पकड़ते फिर। और जितने इंडोर प्लांट हैं हमारे, तो ये देखिए वाटर हमने जो हमारा ये इंडोर में हमने रखे हुए हैं, यहाँ बारिश का पानी नहीं आएगा, तो इसमें जो बारिश का पानी होता है वो स्टोर करके इसमें थोड़ा थोड़ा डालते रहें गमले के अकॉर्डिंग, और बस हमने इसमें इतना नहीं डाला, तो इसको खाली बस नमी रखनी है इस तरह की, ये देखिए। तो इसमें कीचड़ नहीं बनानी, बहुत ज़्यादा नहीं डाला, अगर ज़्यादा डालोगे तो ये अंदर अंदर जड़े जो है रूट्स इनकी ख़राब हो जाएगी और गल सड़ जाएगी, और किसी भी प्लांट पर और कोई भी इंसेक्ट अटैक करता है तो। और देखिए आजकल करेले खूब आते हैं, तो होममेड इसका कुछ पेप्सिसाइड बना लीजिए। तो अगर आपके पास कोई भी पेप्सिसाइड नहीं है तो होममेड जो है, तो आप करेले का बनाए, करेला 2 चम्मच करेले का जूस, और 1 या 2 मिर्च पीस लीजिए, और एक थोड़ा सा 1 चम्मच कोई भी आपके पास जो है सर्फ है कपड़े धोने का, उसको डाल दीजिए। तो इन तीनों को मिला के आप 1 लीटर पानी में तीनों को मिला लीजिए, और फिर इसका स्प्रे कीजिए। तो ये एक बार में नहीं जाएंगे, एक दिन करो, आज करो, फिर कल या परसों करो, 3-4 दिन तक लगातार करोगे तो ये जो है सुबह सुबह काम करना, तो ये सारे ये धुल जाएंगे और ये साफ़ हो जाएंगे, तो ये ख़त्म हो जाते हैं। देखिए सबसे लास्ट में मैं एक टिप्स आपको देती हूँ, और देखिए काफ़ी फूल प्लांट या सब्जी प्लांट या फ्रूट प्लांट कोई सा भी हो, तो देखिए कुछ किसी किसी गमले में अगर आपके ऐसे हो जाता है, तो जैसे ये पानी रुक जाता, पानी रुकने के बाद ये हरा हरा हो जाता है, ग्रीन ग्रीन, तो ये, और देखिए ये अगले की एक ये बीमारी होती है हमारे प्लांट में जो लगती है, अगर पानी ऊपर से ये रुक जाता है प्लांट में, प्लांटर में मतलब, तो ये हरा हरा ऐसे ही बना देता है और ये इसकी पूरी ग्रोथ रोक देता है। ये देखिए इसने पूरी ग्रोथ रोक दी, कोई भी प्लांट होगा तो ये उसकी जो है ग्रोथ रोक देता। ये क्यों रोक देता है? क्योंकि अंदर अंदर इसकी जड़ों के ये रूट्स जो होती हैं उनको सड़ा देता है जब इसमें पानी रुक जाता। तो इसे हमने करना क्या है, पहले ये देखिए इसमें पत्ती पुत्ती सब निकाल दीजिए जो भी है, नहीं तो फंगस पकड़ जाती है। तो इसको फिर क्या करना, धीरे धीरे इसको गुड़ाई करना, और पहले उसका पानी सुखा दीजिए। जैसे मैंने इसका ये पानी सुखा दिया है, तो इसमें जो है ये देखिए हरी परत बन जाती है, तो ये एगले हो कहलाता है, एगले मतलब ये काई काई होती है, तो इसमें ये अंदर अंदर ये रूट्स को सड़ा देती है। तो इसको थोड़ा थोड़ा इसको गुड़ाई कर देंगे, अगर आपके प्लांट में कम जगह है तो उसको दोबारा हम रिपोर्ट भी कर सकते हैं दूसरी मिट्टी में, आजकल जो है रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत है जगह दिख रही है, जैसे इसमें दिख रही है, तो ऐसे ही जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे कर सकते हैं आप उसको, ये देखिए इसकी गुड़ाई कर लीजिए इस तरह, और ऊपर की ये हरी हरी परत निकाल लें जो भी दिखाई दे रही है हमें, तो इससे फंगस पकड़ सकती है। ये देखिए इसकी मैं निकाल दूँगी, तो ये बहुत ज़रूरी काम करें, ये वाला ज़रूर करें, क्योंकि अगर ऐसे हो रहा है तो प्लेंट, तो देखिए इसकी कितनी सॉफ्ट मिट्टी है, मगर फिर भी इसमें ये हरी हरी काई जमी। तो इसमें मैंने अब क्या करूँगी,
या तो आपके पास कोई भी फंगिसाइड है वो ले लीजिए, और या नीम खली है वो ले लीजिए, या हल्दी है उसको ले लीजिए। तो हल्दी है तो उसका जो है एक चम्मच पाउडर डाल दीजिए, और एक चम्मच ये नीम खली का गमले के अकॉर्डिंग, छोटा गमला है तो एक या दो चम्मच आप इसको डाल सकते हैं, और एक चम्मच हल्दी का डाल सकते हैं। आपके पास फंगिसाइड तो हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये भी अच्छा काम करती है। अगर ये नहीं है तब ये हल्दी डाल सकते हैं, और इसको तो आप डाल सकते हैं, चाहे हल्दी भी डाल लो तब भी डाल सकते हैं नीम खली को। तो ये देखिए कुछ फिर इस तरह से आप मिला सकते हैं इसमें, और ये फिर अंदर भी जो है इस तरह से जब हम गुड़ाई कर देंगे तो अंदर भी पानी जाने लगेगा, और अच्छे से ये अगर इसके ड्रेनेज होल नहीं खुले तो वो भी खोल सकते। और लास्ट तक बने रहिए, बहुत बहुत थैंक यू आपका।